जय हिंद साथियों। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि पूरे देश भर में लगातार टीओडी को लेकर के विरोध चल रही है और अभी तक चलती आ रही है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कई जगह से कई रिपोर्ट्स मिल चुके हैं केस को लेकर के, आपको वीडियो भी वायरल हो रही है, सभी जगह से वीडियो आ रही है कि केस को लेकर के कि केस करना है तो करना है। चलो साथियों, मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दे रहा हूँ आपको कि ये केस का मुद्दा आखिर दो टर्म में चल रही है, एक सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, एक हाई कोर्ट को लेकर के। जैसा कि आपको सारा बात पता है कि जो अतुल सर है वो हाई कोर्ट के लिए कर रहे हैं और ये लोग जो कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के लिए कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से केस का प्रभाव पड़ने वाला है, आगे चल के आपके लिए बहुत बेटर होना है। मैं तो ये उम्मीद करके लग रहा है हमको, जैसे कि इन्होंने पेपर जो कंप्लीट किया है उसके आधार पर ये लग रहा है कि 99% दोस्तों आपका सिक्योर है कि आपका मे बी हम लोग केस जीत सकते हैं। तो ये तो सबसे बड़ी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है जो हमारे लिए कोई लड़ रहा है और हमारे हक के लिए खड़ा है, तो कहीं ना कहीं से हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आखिर तक या कब तक इंतजार करनी पड़ेगी इसका कोई सूचना अभी तक नहीं जारी हुआ है। लेकिन जैसा कि सूचना मिलने पर आई है भी कि 4 तारीख को केस कोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा। जैसे ही कोर्ट में दाखिल केस होगा आप सभी को सूचना मिल जाएगी। बहुत जगह आप सभी ने एक यूट्यूब और या फेसबुक सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपको एक मैसेज जा रहा होगा कि ये केस नंबर है, वो केस नंबर है, हमारा केस दाखिल हो गया। दोस्तों ये अपवाहित है, आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। किसी तरह का कोई केस अभी दर्ज नहीं हुआ है और जैसी होगी आपको सूचना मिल जाएगी। 3 से 4 तारीख तक आपको सभी कर देंगे, सभी का पेपर्स रेडी है, आप लोग निस्संदेह हैं, आपके हित में, आपके जनहित में ही काम हो रहा है। और पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद के साथ है कि दोस्तों हम लोग केस जीतेंगे और ये हक हमारी है और हम लोग बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि इसमें हमारी कोई कहीं से कोई गलती नहीं है। हमने अपने हक के लिए किया है और अपने हक का आवाज सिर्फ उठाया और कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि एग्जाम रद्द करना यह कदापि सही नहीं था। साइट पर आप एक मैसेज देख रहे होंगे, डिस्प्ले हो रहा है कि काइंडली रिक्वेस्टेड है स्टूडेंट से कि आप लोग अग्निपथ की स्कीम के द्वारा जाएं और फिर से अपनी भर्ती दें, आपका जो प्रीवियस एग्जाम है वो पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। तो वहां पे आप लोग मैसेज देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग उम्मीद को मत हारें, जो केस करने जा रहा है उसके आधार पर पूरी उम्मीद के साथ, पूरी जंग के साथ यह जीत है कि हम लोग किसी तरह से हार नहीं माने हैं। और ये उम्मीद है कि बहुत जल्द, मे बी बहुत जल्द हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। 99% तय है कि ये जीत हमारी ही होगी। तो आप आ गया था कि अब ये डेट चालू हो गई है, इस डेट से एग्जाम होगा। तो जो भी डेट जो मेंशन था उसके स्क्रीनशॉट तो कहीं ना कहीं सभी के पास होंगे, तो जो बच्चे सेंड किए होंगे, जिनके पास होगा, उसके आधार पर ये सारे प्रक्रिया जुड़े जाएंगे। क्योंकि 2 साल कोरोना अवधि के कारण बहुत सारे पेपर्स तो लिए गए हैं, तो बहुत सारे जो पेपर लिए गए हैं तो आखिर तक यह पेपर का हुआ और ये आर्मी का क्यों नहीं? क्योंकि हर एक सिपाही भर्ती हुआ है, हर एक केंद्र सरकार की पुलिस भर्ती बल की परीक्षा भी हुई है, भर्ती भी हुई है, तो आखिर तक ये आर्मी का क्यों? यानी कि प्लानिंग बहुत बड़ा चल रहा था, प्लानिंग बहुत बड़ा था इंडिया को बदलने का, नक्शा एक नया मोड़ देने का। तो यही प्लानिंग पहले से बच्चों को प्रिपेयर करना था कि हम ऐसे करने जा रहे हैं, एक अबैग किसी को झटका ना मारा करते हैं। क्योंकि बिजली का झटका जब लगता है एक अबैग आदमी को तो इंसान को दमका देता है, वही झटका आज बच्चों को बिजली करंट की तरह लगी है आपने जो झटका दिया है। लेकिन दोस्तों आप लोग धैर्य पेशेंस रखें और उम्मीद के साथ कहता हूं 3 या 4 तारीख तक आप उम्मीद धैर्य रखें, आपकी याचिका जो है कोर्ट में दाखिल होगी और 3 से 4 तारीख होने जा रही है। अतुल सर, रविंदर सर और आपके जो संदीप सर हैं सभी मिलकर आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप लोग निस्वार्थ भाव से वेट करें और इंतजार करें, देखिए आगे का रिजल्ट क्या मिलता है। 3 या 4 तारीख को पूरा खुलासा कर दिया जाएगा।